एवरीवन, दिस इज मी सुप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था फेस सीरम्स के ऊपर, सीरम क्या होते हैं, किस एज ग्रुप को कौन सा फेस सीरम यूज़ करना चाहिए, और उसके नीचे कुछ कॉमेंट्स आए कि दी हमें हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में, और मैं साथ ही साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी करूँगी जो कि है बायोटिक की तरफ से बायो माउंट इबनी हेयर सीरम। क्या है इसका रिजल्ट, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, सारी बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर सीरम क्या होते हैं। हेयर सीरम एग्जैक्टली सेम फेस सीरम के जैसे ही होते हैं, जो मोस्टली हमारे स्कैल्प के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आजकल हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू विद दिस प्रॉब्लम। उसके साथ साथ बॉल्डनेस, गंजेपन की शिकायत भी बहुत कॉमन हो गई है। अब मेनली हेयर फॉल जो है वो उतना प्रॉब्लमेटिक कब माना जाता है, हेयर फॉल जब आपको कंटिन्यूस हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हेयर ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू रियली नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम राइट देयर, क्योंकि आपको हेयर फॉल जो है वो हेयर ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हेयर सीरम क्या करते हैं, अगर आपको हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक हेयर सीरम अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी स्कैल्प के फॉलिकल्स, हेयर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे हेयर सीरम्स अवेलेबल हैं, हेयर ग्रोथ सीरम आपको मिल जाएंगे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दे कम विद वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टैग। मैंने खुद पर्सनली हेयर ग्रोथ के लिए 1200 से 1500 तक के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, लेकिन मैंने देखा है जब तक हम उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो अपना रिजल्ट देते हैं, जैसे ही उनको यूज़ करना बंद कर देते हैं तो उनका इफेक्ट भी स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे में मैं हमेशा यही कोशिश में रहती हूँ कि मुझे एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले। अगर उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उसको दोबारा रीपर्चेज करूँगी, और अगर नहीं लगा तो मैं उसको चेंज करते समय मेरा मन नहीं दुखेगा कि ओके कोई बात नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं था। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बायोटिक के बायो माउंट इबनी हेयर सीरम का रिव्यू। मैंने इस प्रोडक्ट को काफ़ी मंथ हो गया, आई थिंक 2 मंथ पहले मैंने इसका एक हॉल वीडियो किया था जब मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स बायोटिक के ऑर्डर किए थे, और उसमें मैंने ये हेयर सीरम भी ऑर्डर किया था। मुझे हेयर फॉल का इशू काफ़ी लंबे टाइम से है, बीच में जब प्रेगनेंसी का टाइम था तो हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो गया था। आई वॉज सुपर हैप्पी, मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए थे, बट जैसे बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, वट एवर कम्स इट हैज़ टू गो बैक। डेफिनेटली आफ्टर 6-7 मंथ्स अगेन हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, एंड तब से अब तक बस चल ही रहा है। तो इस तरह से मुझे अपने हेयर ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि मेरे बाल जो हैं वो आई एम जस्ट स्टार्ट फीलिंग कि काफ़ी स्केंटी हो गए हैं। तो मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया और मैंने इसको ट्राई किया, एंड दिस इज़ अ रियली वर्थ प्रोडक्ट आई टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस आपको बता देती हूँ, ये आता है कुछ 185 रुपीज़ में। जैसे कि मैंने कहा सुपर 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 अफोर्डेबल, द फर्स्ट थिंग विच मेड मी फॉल इन लव विद दिस हेयर सीरम इज दिस इस प्राइस 185 रुपीज़। उसके साथ साथ ये आता है 3 साल की एक्सपायरी डेट के साथ, आप इसको 3 लंबे सालों तक यूज़ कर सकते हैं। सो अंदर से ये कुछ पर्पल कलर का लिक्विड है, जब आप इसको पोर करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, सी यू कैन सी इट इज़ अ लिटिल पर्पलिश काइंड ऑफ, और इस तरह से आपको इसको अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू लीव इट ऑन योर हेयर एंड यू कैन स्टाइल योर हेयर द वे यू वॉन्ट। अब उसके साथ साथ दैट्स इट, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और आप इसको मॉर्निंग इवनिंग कभी भी लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद इसकी जो खुशबू है, जो शार्प एक बायोटिक के प्रोडक्ट्स में हर तरह की स्मेल होती है, सेम इसमें भी वो फ्रेग्रेंस है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, खुशबू, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो आपके बालों में रहती है। मैं इसको मोस्टली नाइट टाइम पे यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सोने से पहले। इसको लगाने के बाद ये बालों को स्टिकी करता है, तो अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो दूसरे और तीसरे दिन आप पाएंगे कि आपके बाल जो है वो पहले से ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं, एंड चिपचिपे हो जाते हैं बाल इसको लगाने के बाद। तो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना पड़ता है अगर आप डेली बाहर जा रहे हो, क्योंकि 2 दिन बाद नहीं तो आपके बाल एकदम शैम्पू जैसे हो जाएंगे, फ्रेश नहीं लगते, बिकॉज यू आर पुटिंग दिस थिंग इन योर हेयर। स्कैल्प इसको आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ ये न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा।
एंड दैट्स इट, जितना काम ये प्रोडक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपको हेयर फॉल के कुछ और इश्यूज हैं तो इसके पैकेजिंग के ऊपर कुछ और प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड किए गए हैं, जैसे कि अगर आपके बहुत पतले और थिन बाल हैं तो आप बायो थीम या बायो वॉलनट ब्लैक वाला इनका कुछ सिरम आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और फॉर ऑयली स्कैल्प, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप बायो ग्रीन एप्पल करके शैम्पू भी आता है आई थिंक इनका, वो यूज़ कर सकते हो। कलर ट्रीटेड हेयर है तो आप बायो सोया प्रोटीन, बायो एलमंड एंड कैश्यू, बायो वाटरस और बायो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ये प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हो। डैंड्रफ है तो बायो मोगरा ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके डार्क हेयर है तो आप बायो हिना लीफ शैम्पू ट्राई कर सकते हो। मेरे पास वो है और मैं अपने कलर्ड हेयर के लिए वो शैम्पू, जब मैं बालों को कलर करती हूँ या हिना करती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ देर के लिए वो वाला, कुछ दिनों के लिए वो शैम्पू यूज़ करती हूँ। सो दैट्स इट, ये था आज का रिव्यू बायोटिक के बायोमाउंट इवनिंग हेयर सीरम के बारे में। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, सुपर अफोर्डेबल है 185 रुपीज़ में। नायका अमेजोन पे आपको ये मिल सकता है, मैं नीचे परचेज लिंक भी दे दूंगी आपको ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सको। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर दिस प्रोडक्ट। इसको आपको रेगुलरली यूज करना होगा, अगर आपको विजिबल रिजल्ट देने हैं एटलीस्ट यूज इट फॉर 2 to 3 months। 3 महीने के बाद ही आपको पता चल पाएगा न्यू ग्रोथ का, आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो यूज दिस प्रोडक्ट एंड डू शेयर योर रिव्यू विद मी इन द कॉमेंट बिलो। अगर आप इस प्रोडक्ट को पहले से यूज कर चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आपने नहीं यूज किया तो क्या मेरा वीडियो आज का आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।